कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज बताने जा रहा हूँ। सिम्टम्स के हिसाब से ये दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन मेडिसिन को अपने घर में अभी से रख लीजिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच रखी है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ह्यूज डिमांड है, जिसके कारण से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मेरे द्वारा बताई गई कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर आप सिम्टम्स के हिसाब से अभी से अपने घर में रख लेंगे तो काफ़ी आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी, मैं थर्ड जनरेशन होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। आज आप सभी के समक्ष कोरोना उसके सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करेंगे ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। बात करूं मैं अगर कोरोना की दूसरी लहर की, कोरोना की जो सेकेंड वेव आ रखी है, इसके कारण से जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट पड़ रहा है, आपके फेफड़े और आपके स्वास्थ्य तंत्र में इफेक्ट पड़ रहा है। इनको स्ट्रांग बनाने के लिए आप जस्टिशिया क्यू और सिनेगा क्यू, जस्टिशिया क्यू और सिनेगा क्यू, इसकी एक चौथाई कप पानी में 10-10 बूंदे दोनों दवाई की मिला के सुबह दोपहर शाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में जो आपकी छाती में कफ जमने लग जाता है, कफ जमने से ये दोनों दवाइयाँ आपको बचाएंगी। इसके साथ आपको एंटीम टाट 30 इसकी पोटेंसी है। इस दवाई को आपको 4 बूंदे सुबह दोपहर शाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लंग्स और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये दवाइयां स्ट्रांग बनाती हैं। अगर आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है और ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी से गिर रहा है, तो होम्योपैथिक में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाली एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी आती है। इसका नाम एस्पिडोस्पर्मा है। आपको एस्पिडोस्पर्मा क्यू, मदर टिंचर एस्पिडोस्पर्मा का लेना है और इसकी 1/4 कप वाटर में 15 ड्रॉप्स 15 बूंदे सुबह दोपहर शाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपको एक डाइल्यूशन होम्योपैथी में आता है, अगर आपको आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो उसका नाम है कार्बोवेक्स 30। इसकी आपको 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दिन में, 4 बूंदे शाम को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है वो धीरे धीरे करके अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा और काफी दोनों दवाइयां आपको सांस लेने की दिक्कत परेशानी और ऑक्सीजन की अगर आपकी बॉडी में लेवल्स गिर रहे हैं तो उसमें आपको काफी मददगार हेल्प करेंगी। तीसरा जो लक्षण इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि इसमें पेशेंट को बुखार आ रहा है और ऐसा बुखार आ रहा है कि वो जल्दी से उतर नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो बुखार कम करने के लिए स्पेसिफिक बैप्टिशिया क्यू, जेलसीमियम क्यू, चाइना क्यू, इन सभी दवाइयों को एक आधे कप पानी में सभी दवाइयों की 10-10 बूंदें, 10 बूंदे बैप्टिशिया क्यू, 10 बूंदे जेलसीमियम क्यू, 10 बूंदे चाइना क्यू की थ्राइज अ डे, तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जो आपका फीवर कम नहीं हो रहा है वो बहुत जल्दी आप अपने फीवर को नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे। चौथा जो कारण मैंने इसमें देखा है कि पेशेंट को बॉडी पेन्स हो रहे हैं, उसके उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, उसके पीठ में, स्पेशली पीठ में उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको होम्योपैथी के डाइल्यूशंस इस्तेमाल करने हैं जिनका नाम है ब्राइनिया, इपिटोरियम पर्फ और रस्टेक्स, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, इपिटोरियम पर्फ, इसको आपको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है और थ्राइस डेली सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके बॉडी पेन्स हो रहे हैं उसमें आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। चौथा जो कंडीशन मैंने देखा है कि अगर किसी पेशेंट को कोविड हो जा रहा है और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है तो उसके शरीर में इनॉर्मस वीकनेस, कमजोरी देखने को मिल रही है, ऐसे केसेस में आप अल्फा अल्फा क्यू और चाइना क्यू दोनों दवाइयों की 10-10 बूंदें एक चौथाई कप पानी में ले सकते हैं और दोनों दवाइयों को मिक्स करना है एक चौथाई कप पानी में और तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम आपको इस्तेमाल करना है। लास्ट में आपको एक प्रोफिलेक्सिस मेडिसिन बताऊंगा जो आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मस्ट, इन तीन दवाइयों को आपको लेना बहुत जरूरी है अगर आप इस कोरोना महामारी से बचना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर की दवाई जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है आर्सेनिक, दूसरी मेडिसिन है आपकी इपिटोरियम पर्फ, तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इन तीनों दवाइयों को आर्सेनिक एल्ब 30, इपिटोरियम परफोरेटम 30, लाइकोपोडियम 30, इन दवाइयों को आपको सुबह दोपहर शाम, आर्सेनिक एल्ब 30 को मॉर्निंग में,
इपिटोरियम पर्फ 30 को दिन में और लाइकोपोडियम 30 को रात के समय आपको इसकी डायरेक्टली चार चार बूंदे अपनी जीप में डालनी है और तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम कम से कम 15 दिन तक का आपको इन दवाइयों को तीनों दवाइयों को इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ में अगर आपके एरिया में कोविड रिलेटेड केसेस बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इसको महीना डेढ़ महीना भी इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाइयों के कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, प्रोफिलेक्सिस के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। छोटी उम्र से लेकर बड़ों तक का कोई भी एनी एज ग्रुप का मेंबर इसको प्रोफिलेक्सिस को इस्तेमाल कर सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेडिसिन, अगर आपको ये मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं और ये मेडिसिन आपको इजिली अवेलेबल करने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग ट्रिपल लेयर मास्क का, जिसमें तीन लेयर मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कपड़ों के मास्क का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और घर से बाहर कपड़े के मास्क निकाल पहन के आपको जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे छोटे बच्चे से लेकर बड़े को भी ये परेशानी इसकी सेकेंड वेव में देखने को मिल रही है। आप इसके साथ साथ जो भी पब्लिक हेल्थ और गवर्नमेंट के एडवाइजरीज है उनको अवश्य फॉलो कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कोरोना की जो सेकंड वेव आई है इस पे जो वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है मेरे द्वारा बनाया हुआ तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को, पर्टिकुलर इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए ताकि हम पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ अदर नेबरिंग कंट्रीज की भी हेल्प कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हनुमान, जय होम्योपैथी।